बीएड सेकंड ईयर निर्देशन एवं परामर्श बात कर रहे हैं। पहली यूनिट की निर्देशन के अंतर्गत कि निर्देशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। निर्देशन को आज आधुनिक युग में एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया गया है। निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, ना कि समस्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्देशन का क्या अर्थ होता है। अर्थ से हम क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य होता है निर्देशन का निर्दिष्ट करना, किसी चीज़ को बतलाना, मार्ग दिखाना, संकेत करना या उसका पथ प्रदर्शन करना। अब मैं आपके सामने परिभाषा की बात करती हूँ कि आप कैसे समझेंगे। परिभाषा को देखिए, निर्देशन जो है वो एक सेवा है। प्रॉक्टर महोदय कहते हैं कि निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है, ताकि वह वातावरण के साथ आवश्यक समायोजन कर सके। वो विद्यालय भी हो सकता है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं बर्नार्ड की, कि बर्नार्ड महोदय क्या कहते हैं। कहते हैं कि निर्देशन में वो सारी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति को आत्मसिद्धि की ओर अग्रसर करती हैं या उन्नत बनाती हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्टर वी गुड की। कहते हैं कि निर्देशन का मतलब ये है कि छात्र और व्यक्ति ज्ञान या विवेक जो ज्ञान प्राप्त करता है उसमें सहायता देते हैं, वो आत्मनिर्देशन की दिशा में अग्रसर करते हैं, चाहे वो दबाव हो या आदेश हो, लेकिन ये होता बहुत व्यवस्थित तरीके से है। फिर हम बात करते हैं जेम्स मोदे की। जेम्स कहते हैं कि निर्देशन का जो केंद्र बिंदु है वो या तो व्यक्ति होता है ना कि उसकी समस्या होती है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का अपनी दिशा में विकास होता है। अब हम बात करेंगे निर्देशन की प्रकृति की, कि नेचर क्या होता है गाइडेंस का। तो सबसे पहले एक प्रोसेस के रूप में पढ़ेंगे निर्देशन को, कि निर्देशन एक प्रक्रिया के रूप में होता है। इसका अपना कोई स्वतंत्र स्थान नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सामाजिक आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को उसके विकास में सहायता प्रदान करना। मतलब क्या है, निर्देशन क्या है, एज ए प्रोसेस काम करता है। फिर हम इसकी दूसरी प्रकृति पर चलते हैं, मतलब इसकी दूसरे सेकेंड नंबर के पॉइंट पर, कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इट मीन्स जो गाइडेंस है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। निर्देशन एक प्रक्रिया होती है और ऐसी प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर गतिशील होती है। और इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी क्षमता, रुचि, योग्यता सबका प्रयोग करने के लिए उसे सिखाया जाता है, संघर्षरत रहता है और मतलब निरंतर निरंतर चलती रहती है जीवन भर। फिर देखेंगे रिलेटेड विद लाइफ, जीवन से संबंधित है। जीवन से संबंधित होने का मतलब है कि जीवन में जो निर्देशन होता है वो औपचारिक रूप से योगदान देता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के अवसर आते हैं। फिर देखेंगे, बात करते हैं डेवलपमेंट और कैपेसिटीज़ की, कि क्षमताओं का विकास कैसे करता है, निर्देशन की प्रकृति ऐसी कैसे होती है। तो निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति की सहायता इस प्रकार से की जाती है कि वह सभी दृष्टियों से अपनी क्षमताओं से अधिक उसका विकास हो सके, वो इस योग्य बन सके। अब बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल असिस्टेंस की, व्यक्तिगत सहायता। तो निर्देशन क्या करता है कि व्यक्तिगत सहायता के रूप में ये सर्वमान्य है। ये सामूहिक रूप से ही क्यों ना दिया जाए, लेकिन स्पेशली ये व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रशिक्षित व्यक्तियों का कार्य, टास्क फोर्स ट्रेंड पर्सन। निर्देशन प्रदान करना सभी व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न कौशल और तकनीकों का प्रयोग हमें करना होता है। अगर वो व्यक्ति कुशल है, परिपक्व है, योग्य है, प्रशिक्षित है, तभी वो ये काम कर सकता है। मनोवैज्ञानिक विधियों का उसे ज्ञान है, तभी वो ये काम कर सकता है। निर्देशन का विस्तृत कार्यक्षेत्र, निर्देशन का कार्यक्षेत्र बहुत वाइड माना गया, मतलब वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी आयु के व्यक्ति के द्वारा ये किया जा सकता है जिसे इसकी आवश्यकता हो। इसमें विभिन्न आयु, विभिन्न रुचि, विभिन्न विशेषताओं और स्वभाव के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। निर्देशन की प्रक्रिया को इन शॉर्ट कहें तो किसी सीमा में नहीं बांध सकते। फिर देखेंगे हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, समायोजन में सहायक है। निर्देशन व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समायोजन करना भी इस प्रक्रिया के द्वारा सिखाया जाता है। निर्देशन की प्रकृति ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। फिर बात करेंगे हेल्पफुल इन द डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ द सेल्फ गाइडेंस, आत्मनिर्देशन की योग्यता के विकास में भी सहायक होती है।
आत्म निर्देशन की योग्यता के विकास में सहायक। निर्देशन की प्रकृति में ये भी शामिल होता है कि वो आत्मनिर्देशन का विकास करती है। व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता है। इट मीन्स है कि वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करता है या उसकी ओर अग्रसर होता है। अब देखिए निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है। कभी भी निर्देशन अपने आप का जो डिसीजन होता है या दृष्टिकोण होता है वो सामने वाले व्यक्ति पर थोपता नहीं है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो निर्देशन प्रदान करने वाला जो व्यक्ति है उसके निर्णय का लाभ उठाना चाहता है या नहीं उठाना चाहता, वो उसकी बात से सहमत है या नहीं सहमत है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि निर्देशन नो इम्पोर्टेंस ऑफ द वंस व्यूज पॉइंट, मतलब दृष्टिकोण को थोपना नहीं है। निर्देशन में अपना विचार, अपना निर्णय या दृष्टिकोण सामने वाले पर नहीं थोपा जाता। फिर देखेंगे भावी जीवन की तैयारी में सहायता। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। अतः निर्देशक द्वारा व्यक्ति भविष्य की गतिविधियों का चयन कर सकता है, गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार कर सकता है। मतलब निर्देशन एक तरह से उसके शुभचिंतक का काम करता है। नाउ नेक्स्ट, निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है, गाइडेंस ऑफ द एजुकेशनल सर्विस। एक शैक्षिक सेवा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि निर्देशन का अर्थ विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के संदर्भ में विद्यालय वातावरण के साथ समर्जित करना है। फिर है क्लाइंट सेंटर्ड, मतलब जो सेवार्थी होता है, जो इसकी सेवा लेना चाहता है उसको फोकस करने वाली ये प्रक्रिया है, मतलब सेवार्थ केंद्रित प्रक्रिया है। इस रूप में ये प्रक्रिया बहुत अधिक मान्य होती है, मतलब ये विकास और ये जो सेवार्थी केंद्रित प्रक्रिया है, अगर पूछा जाए कौन से उपागम पर आधारित है तो ये विकासात्मक उपागम पर आधारित है। निर्देशन शिक्षा की उप प्रक्रिया के रूप में, इसकी प्रकृति और क्या होती है, ये प्रोसेस तो है लेकिन एक सब प्रोसेस है। निर्देशन को शिक्षा की उप प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है इसको, जहाँ पर आप देखेंगे कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन का अपना महत्व होता है। अब हम प्रकृति के लास्ट बिंदु पर पहुंच गए हैं कि निर्देशन की और प्रकृति क्या होती है। तो कहते हैं निर्देशन सहायता देने से और अधिक, मतलब मोर देन असिस्टेंस, सहायता देने से बहुत ज़्यादा है। अपन ये नहीं कह सकते या हम ये नहीं मान सकते कि निर्देशन का काम मात्र सहायता देना है, नहीं, इससे ज़्यादा है। इस सहायता की क्या सीमा है, ये क्या सीमा होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ तय नहीं है। सीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, ना जाने कब कैसे किसकी सहायता, किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत पड़ जाए, यहाँ पर कुछ भी तय नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने बात की थी निर्देशन में सहायता देने की। तो ये संगठित सेवा के रूप में, अनिर्देशन के रूप में, विशिष्टीकृत के रूप में, सभी के लिए निरंतर चलने वाली प्रगतिशील। तो आपने अभी हमने बात की निर्देशन की प्रकृति की।